और यहाँ पर लौकी को आप देख सकते हैं कैसे कट करना है पहले इसको ना छील के फिर वॉश करके काटा जाता है यहाँ पे मैंने आलू लिया है आप किसी भी शेप और साइज का आलू ले सकते हैं और उसको भी इसी तरह से कट कर लें फिर यहाँ पे मैंने रात को ही चने की दाल को भिगा दिया था आप चाहें तो छः सात घंटे पहले भिगा के इसको यूज़ कर सकते हैं मुझे पर्सनली बेसन नहीं पसंद है तो मैं बेसन ज़्यादा एवॉइड ही करती हूँ तो बस यहाँ पे मैंने लिया है चने की दाल उसको मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे एक गार्ड लहसन लिया है उसमें छः सोलह सत्रह दाने थे और साथ के साथ मिर्चा लिया है एक इंच अदरक का लिया है एक चुटकी हींग ले लेंगे अजवाइन और यहाँ पे ना पानी डाल देंगे पानी थोड़ा थोड़ा डाल के ना इसका पेस्ट बनाना है तो बस यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना लिया है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं और इसका जो पेस्ट होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा महीन बनेगा बिल्कुल भी दरदरापन इसमें नहीं रहना चाहिए तो बस यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और पेस्ट बनाने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे मैंने अपने अकॉर्डिंग नमक डाल लिया था लेकिन मम्मी पीछे से कह रही थी कि नमक कम है थोड़ा और डालू तो फिर मैंने थोड़ा सा और नमक इसमें डाल दिया फिर साथ के साथ यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे एक कटोरी बेसन लिया है मैंने आप चाहें तो बेसन स्किप भी कर सकते हैं पर अगर लेना चाहें तो ले भी सकते हैं बेसन की जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं तो बस पहले ना मैं बेसन चने की दाल सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं और एक चीज़ गलती मैंने ये कर दी कि मैंने जो बाउल लिया था वो बहुत ज़्यादा छोटा लिया था तो बस यहाँ पे मैंने बेसन डालने के बाद इसको ना बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल भी इसमें बेसन के बॉल नहीं होने चाहिए एकदम महीन ये भी हो जाना चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो गया है तो बस इसमें ना क्या करना है ज़रा ज़रा सा पानी डाल के इसका एक मिक्सचर तैयार करना है फेट के कि इसका जो मिक्सचर रेडी होगा ना वो ना एकदम से आ, मतलब एकदम थिक नहीं होना चाहिए तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाला था फिर मुझे लगा ना कि बर्तन मेरा छोटा है तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कटोरा टाइप ले लिया था और उसमें ना इस सारे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दिया था तो आप पहले से ही ध्यान रखें कि आपको कितना मिक्सचर रेडी करना है उस अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं मतलब बाउल जो है बड़ा या छोटा ले सकते हैं तो बस यहाँ पे आपने देखा होगा एक छोटे कटोरी पानी डालने के बाद यहाँ पर मैंने एक छोटे कटोरी दोबारा से पानी डाल दिया है पानी हमारा नॉर्मल ही रहेगा ज़्यादा मतलब गर्म नहीं रहेगा नॉर्मल जो हम लोग पानी पीते हैं वही पानी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और यहाँ पे ना आप बहुत ही अच्छे से इसको मिला लेंगे कि पानी और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं यहाँ मैंने ली है कढ़ाई उसमें डाल देंगे रिफ़ाइंड ऑयल और ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको ना इसके अंदर अच्छे से कोट कर दूँगी जो मैंने मिक्सचर बनाया था उससे लौकी को अच्छे से कोट कर देना है और उसके बाद जब तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें ना इस तरह से सारे ही पकौड़ों को इसमें डाल देना है और अगर जब भी आपको कुछ ऐसा चटपटा सा खाने का मन करे कुछ क्रिस्पी सा खाने का मन करे ना तो आप इस तरह से इस रेसिपी को बना के रेडी कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और अगर आपको लौकी की सब्ज़ी ना पसंद हो तो आप इस तरह से पकौड़ी बना के भी उसका यूज़ कर सकते हैं तो बस मैंने यहाँ पर इसको तलना इस्टार्ट कर दिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होता है जब भी आपको झटपट से पकोड़े खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं तो बस यहाँ पे मेरे सारे पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से तो आप भी एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करें चाहे तो आप इसको सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं चाहे तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको ना गर्मा गर्म चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं चाय जिसको जिसको पसंद होगी उसको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी तो कमेंट जरूर करें तो चलिए चलते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ